केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 2023 और देश में 2024 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। इन चुनावों में कांग्रेस कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों के टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, जो कोई है सब भाजपा के हैं। ग्वालियर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए सिंधिया ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश में 2023 में हमारी ही सरकार बनने वाली है। इतना ही नहीं, 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोटालों की बात करती है तो वो पहले अपने गिरिबान में झांके, उसके कार्यकाल का इतिहास ही घोटालों वाला रहा है। विधानसभा चुनावों में सिंधिया समर्थकों के टिकट के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, ये कांग्रेस नहीं है, यहाँ सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो जीतने वाले हैं टिकट उसे ही मिलेगा। हम लोग सब टाइम पे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। इसमें कोई दो बात नहीं, जो विकास और प्रगति, ऐतिहासिक विकास और प्रगति पिछले 3 वर्षों में, चाहे सिंचाई की हम बात करें, अधोसंरचना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन की सरकार ने साकार करके दिखाया। हम लोग गारंटी नहीं देते, हम लोग गारंटी का काम करके दिखाते हैं और पूर्ण रूप से ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और मध्य प्रदेश की जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। नारा तोड़ा था आपने पिछली बार 2018 में 200 पार वाला, इस बार क्या नारा रहेगा आप भाजपा में? मेरा पूर्ण विश्वास है, मैंने आपको पहले भी कहा था, सारे चुनाव में मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई आंकड़े नहीं देता, लेकिन इतना आपको जरूर कहूंगा कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है और 2023 में भी स्थापित होगी। कांग्रेस घोटालों को लेकर जनता के बीच जाना, अरे कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, आपने मेरे अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुना होगा, कौन सा एक साल निकला है जहाँ कांग्रेस का घोटाला ना हुआ हो? 2G हो, कोल स्कैम का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।